Hello, good morning, friends. My name is Isha Mishra, and I'm going to teach you physics for class 10th. And as you know that, पहला हमारा topic का नाम है electricity. Electricity topic में हम एक-एक point by सब चीज complete करने वाले हैं, जो-जो electricity हमारे CBSE board में दिया गया है. लेकिन सबसे पहले इस electricity chapter को हम start करने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि हमें electricity as a chapter CBSE ने क्यों introduce कराया है. जैसे हमारे पास और भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, आपका सोलर एनर्जी है, लेकिन उन सबको एक स्पेशल चैप्टर वाइज नहीं दे रखा है. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को आपको स्पेशल एक चैप्टर वाइज इंट्रोड्यूस कराया है क्लास 10th में. तो अगर इसको क्लास 10th में एक चैप्टर वाइज इंट्रोड्यूस कराया तो कुछ तो इंपॉर्टेंस रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का. तो पहले उस इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि हमको क्या जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए एज ए चैप्टर वाइज. ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर एग्जाम है, 10th है, बोर्ड है, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं. मार्क्स के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, बट जब तक हमको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी तो हम इसको पढ़ने का हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा. पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतना ज़्यादा इसमें टाइम दे रहे हैं, क्यों सीबीएसई ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया कि इसको एक चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करवा दिया. तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि आज की लाइफ में, जिस लाइफ में हम लोग रह रहे हैं, इस लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी मान ही नहीं सकते. हम अपनी लाइफ को एकदम अनपॉसिबल टाइप का महसूस करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो. फॉर एग्जांपल, हमारे रूम में जो लाइट जल रहा है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे रूम में जो फैन चल रहा है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इवन हमारे रूम में जो एयर कंडीशन चल रहा है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आपके मोबाइल से लेकर के आपके लैपटॉप से लेकर ईच एंड एवरीथिंग जिस पे आप आज डिपेंडेंट हो उसको चलाने के लिए एक चीज एनर्जी चाहिए. उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट डिजायरेबल थिंग्स इन आवर लाइफ. उसके बिना हमारी लाइफ में कुछ भी हम सोच ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना एक घर बनाते हो, उस घर में अगर आप लाइटनिंग के लिए आप क्या लगाते हो? आप बल्ब लगाते हो. लेकिन ऐसा कोई शो कॉज नोटिस तो है नहीं गवर्नमेंट का कि अगर आपने घर बनाया तो आपको बल्ब भी लगाना पड़ेगा. आप कैंडल भी यूज़ कर सकते थे, आप लालटेन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने क्या यूज़ किया? आपने यूज़ किया बल्ब को. क्यों यूज़ किया बल्ब को? क्योंकि बल्ब सर कन्वीनियंट है, आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन है, उसमें कोई स्मोक नहीं निकलता है, कुछ वेस्टेज नहीं होता है, प्लस लेस डेंजरस है एज कम्पेयर टू द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसलिए आपने बल्ब को ही लगवाया एज कम्पेयर टू कैंडल और लालटेन. तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा कि आप जितने भी आप समझ लीजिए कि जितने भी जिन जिन लोगों के आप रिस्पेक्ट करते हो, जिन जिन लोगों ने आपकी लाइफ को ईजी बनाया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जितने ऐप्स यूज़ कर रहे हो सब ऐप्स किसके थ्रू चलते हैं? किसी डिवाइस के थ्रू चलते हैं. वो डिवाइस किसके थ्रू चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है. आप जितने भी ऐप्स हैं उसके थ्रू आप एक छोटा सा मैसेज आप विद इन सेकंड वर्ल्ड में कहीं भी सेंड कर सकते हो. आप अपने वीडियो को शूट आउट करके विद इन सेकंड आप वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हो. इस सारा कुछ डिपेंडेंट किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. इवन आपकी कार, इवन आपका स्कूटर तक भी स्टार्ट किस होता है? इलेक्ट्रिक स्टार्ट है. तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप अपने लाइफ को एज्यूम ही नहीं कर सकते. इसलिए पहला पॉइंट क्या है? इट इज द मोस्ट डिजायर्स थिंग इन मॉडर्न डेज. इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. आप सोच ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम जी पाएंगे. दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है. कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे सन से जो हमें लाइट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी. वैसे इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास हाइड्रो एनर्जी है, हमारे पास थर्मल एनर्जी है, हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी है, हमारे पास बायोगैस है, हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम्स है. बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी है. लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी? इसलिए कि किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी का उठा लो. सब बोलोगे सर हम कोयले को लेते हैं, तो कोयले से आप क्या करोगे? थर्मल पावर प्लांट पे जा करके उसको थर्मल पावर प्लांट से क्या करोगे? उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हो. थर्मल मीन्स हीट एंड पावर प्लांट वेयर वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पावर प्लांट कहीं भी यूज होता है. पावर प्लांट इसे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसे पावर प्लांट. ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट से, पानी से, तो हाइड्रो पावर प्लांट से. हाइड्रो पावर प्लांट से आप क्या कर सकते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो.
आप फिर बोलोगे डीजल एंड पेट्रोल, डीजल पेट्रोल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आप अपने घर में जनरेटर यूज करते हो, उसमें क्या होता है आप ज्यादा डीजल यूज करते हो या पेट्रोल यूज कर रहे हो। फिर आप बोलोगे सर बायोगैस से, बायोगैस से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इवन सनलाइट, सनलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सोलर पैनल है आपके पास लगे हुए। तो दुनिया की कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को आप यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, आप कभी भी कोयले से वाटर नहीं बना सकते या आप वाटर से कोल नहीं बना सकते, लेकिन इन दोनों को यूज करके आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या बोला, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया सीबीएसई ने, स्पेशल एक चैप्टर बना दिया। फिर इसके अलावा देयर आर सेवरल स्पेशल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे स्पेशल एडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी का बाकी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। फिलहाल इतने में इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।